पंजाब ने ना एक वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म ले लिया है और यहाँ से जो आर्टिस्ट निकल कर मतलब इंडिया और पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन अ वर्ल्ड वाइड यू नो स्टेज, इट इज़ फिनोमिनल। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜਕੱਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੇਜ਼ ਤੇ? दिलजीत दोसांझ का है हंस हंस, जो उन्होंने सिया के साथ कोलैबोरेट किया है। मतलब ऐसा गाड़ी में बैठो, वो गाना चलाओ, अरे वो होता ना खुद ऐसे ऐसे शोल्डर। अमरिंदर गिल वहाँ आए थे और अमरिंदर गिल का मुझे वो गाना बड़ा पसंद था, ना 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 ना, उन्हीं का गाना है ना। तो वो अमरिंदर गिल जब आए थे और मिस पंजाब के स्टेज पर टॉप 5 पर हम थे वहाँ पर, तो उन्होंने कहा था अब नेक्स्ट राउंड जो है पंजाबी में आपको जवाब देना होगा। और मुझे वो याद है, वो मलाल मेरे दिल में ना उस समय से है, 2007 से वो मलाल मेरे दिल में रह गया। मतलब मैनू भी नहीं लगता सी भी मैं कदे वो चीज़ कर पाऊँ, बट जिवें रब राह पाउणा हुंदा भी तुसीं पाता। मतलब ये भी नहीं कहता मैनू घर दी सपोर्ट नहीं रही, घर दी फुल सपोर्ट रही, बट उन्होंने विचारों कुछ नहीं पता मेरी लाइफ बारे। 2008 में जब मेरा पहला शो छोटी बहू आया, मैं उस वक्त भी यही बात सोचती थी जो मैं आज भी सोचती हूँ कि आई एम बॉर्न टू डू दिस जॉब। कंपेरिजन टू बॉलीवुड, कंपेरिजन टू हिंदी सिनेमा, वहाँ पे आई थिंक स्ट्रगल बहुत लंबा है, तभी शायद आपको इतना टाइम लग गया। हम गांव की कहानी, पिंड की कहानी देख ले, हम कोई भी एक कैरेक्टर को उठा लो ना, आपके पास वो कैरेक्टर आपके घर में होगा। तो यही जो एक वो था ना कि यार मुझे भी ऐसी इंडस्ट्री से जुड़ना है जहाँ पर मैं, जब लोग मुझे बड़े पर्दे पर देखें तो बोले यार ये लड़की तो शायद मेरे घर पर भी है, या इस लड़की को तो मैं भी जानता हूँ। हाँ जी की चाहिए यार। हेलो जी, सत श्री अकाल, मैं साहिल, तुसीं देख रहे हो जी News18 पंजाब। इस कॉन्वरजेशन की बहुत ज़्यादा ईगरली वेट सीगी सानू सारे पंजाब नू, बिकॉज एक फिल्म जिहड़ी कि यू नो काफ़ी टाइम पहला अनाउंस हुई सीगी, चल भज चलीए, उस फिल्म की तो वेट सारे नू सीगी, बट स्पैशली वेट ये सीगी कि इंदरवीर दे डेब्यू दी एंड रूबीना जी दी। तो हुण फाइनली साडे नाल उस टीम की कास्ट रूबीना जी, इंदरवीर एंड अलीशा जी आ चुके हैं। सब तो पहले जी सत श्री अकाल सारे नू। सत श्री अकाल जी, कैसे हो? सत श्री अकाल जी, मैं ठीक। ब्लश पड़ा जा रही थी। कम कम सही कीता है, सोने लग रहे हैं तुझे। थैंक यू जी, फिल्म चल जानी है। हाँ, बहुत मेहनत की है रोल लई, ते पंजाबी कपड़े पूरे पहन के असी पटोला बनकर आए हैं। एक चीज़ मैं देखी है ना, एक चीज़ मैं देखी, तुम एग्री करियो कि जो भी कोई बाहरों कोई गल करता ना पंजाबी च, एक्सेंट कितना सोहना लगता है, एवं कहता बंदा दिल ही आ जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, और वो तो इतनी क्यूट बोलती है। मैं कहना था फिल्म च भी इदा ही है, देखियो तुसी अपने नाल दा पूरा पंजाब कमला कर देना है। एंड फाइनली रूबीना जी, सानू बड़ी वेट सीगी, स्पैशली इंदरवीर तुहाडी दी, तुहाडी वीर तुहाडे दोनां दी, बिकॉज असीं ना काफ़ी टाइम तो देख रहे सी कि इंदरवीर तुहाडे गाणियां नूं, सानू ये हुंदा सीगा कि कदों इंदरवीर फिल्म करूगा, फिल्म करूगा, फिल्म करूगा। एंड रूबीना जी तुसीं भी तुहानू काफ़ी सारे यू नो जिदा बिग बॉस च देखिया या होर भी जिदा तुसीं वर्क कीता है ना, फिल्म च बहुत लोकां नूं वेट सी कि एटलीस्ट पंजाब च नवां फेस आए एंड जिहड़ा पुराना फेस सीगा ओहदा डेब्यू होए। तो ये सारे नूं बड़ी खुशी है, तो अपने आप को कितनी खुशी है इस फेस को कितना इंजॉय कर रहे हो इंदरवीर? मतलब मैं लगता हूँ बंदा ना जो वो वड़ जाता तो बंदा फील घट कर पाता, बट बहुत सोहना लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दो ही गल्लां इंदरवीर सीख के आए कि मैं इन्नी बोलना है। मतलब वो बंदा मतलब लिख के बोल के नहीं दस सकता, मैं लगता है ना बहुत घैंट सोहना यही लग सकता बंदे नूं। यस, ये मैं तुहानूं गल दस्सां, एक पिछली बार इंटरव्यू किया इंदरवीर ने, इंदरवीर ने बड़ा चंगा खोलिया, कंफर्टेबल किया, एटलीस्ट तो नहीं खुले नहीं भाई, हरे बंद चलो ग्रेट। एंड रूबीना जी तुसीं प्लीज़ दसो कि इस फेस में बिकॉज मैंने लगता है कि जो भी साडी लाइफ विच यू नो सॉन्ग्स, म्यूजिक वीडियोज़, OTT प्लेटफॉर्म्स ते वर्क करन तो बाद जदों साडी फिल्म च कोई फिल्म आउंदी आ एंड आर्टिस्ट नूं स्पैशली एक होप जरूर नज़र आती है कि एटलीस्ट हुण चलो मेरे करियर का एक स्टैप मैं उपर हुई हाँ या होया हाँ। एंड ये फेस लग रहा है, इधर कुछ फील हो रहा है रीसेंट डेज दे विच? मैं आपको बताऊँ, मैं एक्साइटमेंट से ज़्यादा ना मुझे नर्वसनेस है। अच्छा। क्योंकि मैं जब भी कोई भी नया काम करती हूँ ना तो मेरा एक बिगनर्स माइंडसेट रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने फिर से अपना करियर शुरू किया है। अगर आज मैं इस फिल्म की बात करूँ ना, मैं अपने आप को इस तरीके से संभाल पा रही हूँ, अंदर से इतना डर है क्योंकि मुझे लगता है मेरा पहला प्रोजेक्ट है, मेरा पहला काम है, पंजाबी इंडस्ट्री में पहली बार मैं कदम रख रही हूँ। वो कदम कैसा होगा, लोग अपनाएंगे कि नहीं, लोग प्यार देंगे कि नहीं, तो उतने डर के साथ ना मैंने एक अपना वो कंपोजर बनाया है। क्योंकि आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप कितना भी अच्छा काम कर लो, जब तक आपको आपकी ऑडियंस और जनता अपनाती नहीं है तब तक वो काम नहीं है। मैं तो हमेशा मानती हूँ जनता जनार्दन है, मेरे लिए मेरी ऑडियंस भगवान है। और अब आकर पंजाब में मैं अपने अपने रूट्स को फिर से एक वो दे रही हूँ, ज़मीन में अपने आप को फिर से पंजाब की ज़मीन में गाड़ रही हूँ अपने आप को। तो मुझे पंजाब की ऑडियंस मुझे यहाँ पर इंडिया में अब्रॉड एंड एवरीवेयर आई वांट कि एटलीस्ट वो एक्सेप्ट कर ले। बस उस एक्सेप्टेंस के लिए ना टू ऐड वन थिंग कि जब आपकी फर्स्ट लुक सामने आई थी ना, इंदरवीर ने साइड एंगल देता है जिम्मे हमेशा ही कहते हैं कि हाँ मेरा इधरों तो फेस बड़ा सोना आता है, इधरों मेरा फेस बड़ा सोना आता है। इंदरवीर ने साइड एंगल देता तो तुसी सूट च फोटो पाई ते सानू एवें लगे कि शायद कोई गाना गुना कर रहे ने, क्योंकि अक्सर इंदरवीर म्यूजिक वीडियोस में लगदा है कि एंदा चलो भी हुन गाना लेके आ रहा है इंदरवीर, बट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं कीता सीगा कि फर्स्ट लुक तो बाद फिल्म होएगी। दैन सानू सारे लगे, इनफैक्ट मैनू लग्या कि वाह यार रुबीना आ रही है पंजाब से, रुबीना आ रही है। तो फिर ना जो बाद मैंने किसी बंदे ने कहना फिल्म कर रहे हैं, मैं कहा वाह यार मतलब कुड़ी कितनी सोहनी पंजाबी लुक च लग रही है, इन्ना सोहना मतलब कि अटायर इन्ना सोहना लग रहा है। एंड डेफिनेटली एक ना पंजाब च फिल्म करन दा ना तुहाडे फेस ते ना एक चार्मनेस एंड एक ना कॉन्फिडेंस तुहाडा नजर आंदा है। तो आई थिंक वो ऑब्जर्वेशन इधर ही सी, मैं कहा यार छेती छेती हुण सानू देखण नू मिले, असीं देखना चाहते हैं कि एटलीस्ट जब हिंदी लोग पंजाबी बोलते हैं तो वो कैसे लगते हैं। वो हिंदी नहीं है कि वो पंजाबी है, बट आई थिंक यूज्ड टू शायद लोग हिंदी उससे ज़्यादा, वो कंफर्टेबल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है। पंजाब का पंजाबी लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस बहुत रहा है। और ऑनेस्टली मैं बताऊं, जब हमने फिल्म भी शूट की है तो मैं पूरे सीन्स अपने प्रॉपर रिहर्स करके जाती थी। मेरे लिए एक डेडिकेटेड एडी रखा गया था जो मेरे डिक्शन और लैंग्वेज पे मेरे लिए काम किया है। इंदर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। हम जैसी सीन करते थे तो इंदर एक वो होता है ना कि नहीं इसको ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं। तो अगर अभी भी आप चाहते हो मैं थोड़ा कुछ पंजाबी में बोलूँ, मेरे को यहाँ पे एक डिक्शन टीचर मेरे बाजू में चाहिए, प्रॉम्प्ट करते करते लोग पागल हो जाएंगे। बोल के दिखाओ सारी डबिंग पंजाबी आप की। हाँ मैंने खुद की है और मैंने 3 बार पूरी फिल्म डब की है। सबसे अच्छी चीज है कि आई थिंक टेक्निकल जब कोई चीज ऐड ऑन होती है ना लाइफ में, जब डबिंग होती है या जब डायलॉग्स वगैरह बोलने होते हैं, तब कई बार ना लाइक एक नए फेस के लिए ना काफी जगह पे ना कोऑपरेट कर देते हैं कि चल ठीक है डबिंग किसी और से करवा लेते हैं बिकॉज़ पंजाबी नहीं बोल पा रहे। नहीं बट ये अच्छी है। ये मेरी पहली शर्त थी जब मेकर्स के साथ मैंने फिल्म साइन की है कि डबिंग मैं खुद करूंगी, बेशक मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। और पर फॉर्चुनेटली क्या हुआ, क्योंकि सेट पर मुझे इतना हेल्पफुल माहौल मिला कि मेरी जो मतलब एक्चुअल सिंक था वो एक्चुअल सिंक ही डबिंग पे हमने पिकअप कर दिया। तो ऐसा नहीं था कि मतलब हमने शूटिंग के दौरान कुछ भी बोल दिया डबिंग में संभाल लेंगे, वो वाला एटीट्यूड नहीं था। बोल के दिखाओ, वो सोनी बोल दिया पंजाबी, बोले यार इंदरवीर 3 बार बोल चुके, बोल के दिखाओ की सुनना चाहते हो तुसी। एवें तुसी यार एवें नहीं बोलना, एवें बोलना ना इसको कहते हैं समझ नहीं लगदी नहीं आउंदी पंजाबी। हां बोलो ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਬੋਲ ਦੋ ਕਿ ਓਏ ਜੱਟੀ ਆ ਐਦਾਂ ਕਰ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਕੀ ਸਮਝ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਲੰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲੋ, ਓ ਜੱਟੀ ਆ ਗਈ ਓਏ, ਓ ਜੱਟੀ ਆ ਗਈ ਓਏ। ਵਾਹ ਯਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਸੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਲੋਕੀ ਕਮਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਐਂਡ ਅਲੀਸ਼ਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਯੰਗਸਟਰ एंड स्पैशली चाहे मुंडा होवे चाहे कुड़ी होए, तुहाडा डेब्यू आ, फर्स्ट फिल्म कर रहे हो है ना तुसीं, इस चीज़ का ना डेफिनेटली सारे नूं बड़ा चाह हुंदा आ कि साडी पहली फिल्म आए तो असीं बैठीए तो असीं गैट टूगैदर करिए, नवें लोकां नाल इंटरैक्ट करिए एंड डेफिनेटली अपने प्रोजेक्ट बारे जिहड़ी सानूं फीलिंग आ फ्रंट फुट ते आके दसीए। तो इस चीज़ की तुहानूं कितनी खुशी है या इस फिल्म की कितनी खुशी है अपने डेब्यू दे नाल? बहुत खुशी है मैनू बड़ा लाइक आई फील वेरी ब्लैस्ड दे मेरा डेब्यू पंजाबी मूवी दे नाल होया है। ते मैं भी बड़ी एक्साइटेड आ अपनी फ्रेंड्स फैमिली दे नाल बैठ के मूवी वेखण दा। आई फील लाइक असीं सारे ने इन्ना वर्क पुट इन कीता इस मूवी। रुबीना जी इन्हां दे अंदर इतना पेशेंस है, शी डब दिस मूवी 3 टाइम्स एंड इट नो बट इट्स जस्ट अमेजिंग। जिदा उन्होंने और दस किन्नियां तारीफां चाहिदियां तैनूं। सही है, 3 बार डब करना कहना सौखा, करना बहुत औखा पूरी फिल्म। या मैनू पता है ना, मैं जिहड़ा डबिंग रूम सीगा मैं 2 बार कीता है डबिंग। तो जो डबिंग रूम सीगा वो मैंने 4 घंटे लगे डबिंग करने, क्योंकि मेरी पंजाबी हैगी है बहुत लाइक मैं समझ गया यार। तुम कह दो हाँ मैंने पता ही है भाई बाजी पंजाबी में तुम शायद वीडियो देखी होनी है इंस्टाग्राम पे ना, आजकल एक ना वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, एक लड़की कनाडा की है टोरंटो की, वो बोलती होंगी है की चाहिए या गड्डी चाहिए या है की या, मतलब बड़ा प्यारा लग रहा है। मतलब ये साहब है मेरी पंजाबी ना। और कुछ बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोला। मेरे पंजाबी नहीं सच एक्सेंट भावे अमेरिकन है बट बोलदी पंजाबी ओके है। 2 कमेंट ला लिए अपन मगर बोल रहे सुंदर बड़ा मजा आ रहा है। की बोला कुछ भी बोल दी जो मतलब फिल्म बारे कुछ भी बोल दो। इस तो पहले यूएस विच एक्चुअल की करदे सीगे तुसी? हां जी मैं यूएस विच हां स्टडी कर रही सी, ओदे नाल नाल मॉडलिंग ते एक्टिंग दा कोर्स मैं कीता होया ते ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੂਵੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀ, ਲਿਖਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਟ ਬੋਲਣੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸੈਂਟ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮੂਵੀ 'ਚ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਐਕਸੈਂਟ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੀ ਈਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਬੋਲਦਾ। हमसे नहीं बोली जाती, बोलो हमसे अच्छी बोली जाती है। मैं अच्छी बोल लेता हूँ हिंदी। ये क्या है ना पंजाबी थोड़ी सी हिंदी की स्लैंग है। हाँ यस ये हिंदी निकल आई अब। बस इंटरप्ट कर दिया करो मैंने, मैं पढ़ रहा हूँ। बट रुबीना मैंने एक गल दसो कि एक्टिंग का तो किमें एक तरह का यू नो क्लिक होया कि चलो यार हूँ एक्टर बनना है, क्योंकि आई थिंक ना ये चीज़ा सडन बाय सडन होंदियां ने, या जदों तुसीं टीवी च पहली बारी काम किया, जो यू नो अपना ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਅਰ ਹੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ? 2008 में जब मेरा पहला शो छोटी बहू आया, मैं उस वक्त भी यही बात सोचती थी जो मैं आज भी सोचती हूँ कि आई एम बॉर्न टू डू दिस जॉब। 2008 तो मुझे मैं तब भी ये सोचती थी कि अगर मैं मतलब ज़िंदगी में कुछ कर सकती हूँ तो शायद मैं एक्टिंग के फील्ड में ही कर सकती हूँ। आज भी मैं अपने आप को यही मतलब अगर आप मुझसे पूछो ना कि रुबीना एक्टिंग के अलावा और क्या कर सकती हो, तो मुझे शायद यू नो 10-15 सेकंड लग जाएगा सोचने में और क्या कर सकती हूँ मैं। तो मेरे लिए मेरा ये जो स्किल है, मेरा वो कहते हैं ना भगवान ने जो ऊपर से मुझे जो टैलेंट दिया है मुझे ये दिया है, और मैं इसको बड़े संजो कर और इसको मैं दूसरों तक कैसे पहुँचा सकूँ, अपने लिए यहाँ बैठकर मैं कितना लोगों तक इस चीज़ को पहुँचा सकूँ, मेरी सिर्फ इतनी ही मेहनत और इतनी जदोजहद रहती है। तो मैं अपने टैलेंट से लोगों तक पहुँचना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ आर्टिस्ट हु सर्व्स एंड ये मेरा तब से लेकर आज तक यही मोटो रहा है लाइफ में। मतलब इस चीज़ की अलग खुशी होती है ना कि इतने टाइम से पुराना सपना आ जाए कहीं ना कहीं सच हो रहा है। Absolutely, absolutely. And इस चीज़ का रुबीना ये भी लगता है कि पंजाबी इंडस्ट्री बड़ी वेलकमिंग है? Absolutely है, वेलकमिंग है। क्योंकि आई थिंक कंपैरिजन टू बॉलीवुड, कंपैरिजन टू हिंदी सिनेमा, वहाँ पे आई थिंक स्ट्रगल बहुत लंबा है, तभी शायद आपको इतना टाइम लग गया। देखिए नहीं, बात स्ट्रगल की नहीं है, बात ये है कि आज की डेट में ना पंजाबी फिल्म्स जो है ना वो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर भी इतना बढ़िया कर रही है। द रीज़न बीइंग कि यहाँ ऑथेंटिसिटी ना इतनी इंटैक्ट है। आप कहानियाँ देख लो, आप स्क्रिप्ट्स देख लो, आप कैरेक्टर्स देख लो, वो ना ऐसे घर घर से जुड़े हुए हैं। तो जो एक रॉनेस है ना वो पंजाब की जो इंडस्ट्री है वो अपनी कहानियों से और अपनी फिल्म के माध्यम से अभी भी इंटैक्ट करके रखती है। हम गांव की कहानी, पिंड की कहानी देख लें, हम कोई भी एक कैरेक्टर को उठा लो ना, आपके पास वो कैरेक्टर आपके घर में होगा। Yes. Right. वो चाची, वो ताई, वो भांजा, और ये कैरेक्टर्स खत्म नहीं होंगे आने वाले टाइम में क्योंकि बहुत हैं। हमारी फिल्म में देखो आप इतने सारी पूरी फैमिली है, मतलब दो परिवार है जो आपस में भिड़ते हैं, क्यों भिड़ते हैं, क्या कहानी है, कहाँ से आई है, वो आप देखोगे। पर वो जो फैमिली का एसेंस है ना वो इतना खूबसूरत है कि वो आपको जोड़ता ही जोड़ता है। तो यही जो एक वो था ना कि यार मुझे भी ऐसी इंडस्ट्री से जुड़ना है जहाँ पर मैं जब लोग मुझे बड़े पर्दे पर देखें तो बोले यार ये लड़की तो शायद मेरे घर पे भी है, या इस लड़की को तो मैं भी जानता हूँ। ऐसी ऐसी कुछ हरकतें हम भी किसी लड़की से यू नो वो रूबरू हुए हैं। तो ये जो कैरेक्टर की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो मुझे बहुत भाती है। और आई थिंक ये आपको पंजाब इंडस्ट्री में, पंजाब फिल्म में, पंजाबी म्यूज़िक में, पंजाबी कैरेक्टर्स में बड़ा कूट कूट के मिलता है। कूट कूट के मिलता है, ये अच्छा था। ਦੋਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਬੀਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਸਾਈਡ ਅੱਗੇ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਵੀਟ ਜੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਸਵੀਟ ਲੋਕ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਟ ਇੰਦਰਵੀਰੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੂਬੀਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਆ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਦਿਖਾਏਗਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਫੇਸ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਐਕਟਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਦਰਵੀਰੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਚੰਗੇ ਪਰਫਾਰਮਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੰਘਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਡਲਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਬਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਪਾਊਂ ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਤਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਘਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਸੋ ਹੈਪੀ ਬਾਏ ਯਾਰ ਜੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਓਕੇ ਸੋ ਮੈਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਗਾਉਣਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਹੁੱਕ ਲਾਈਨ ਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂੰ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂੰ ਵਾਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਅਲੀਸ਼ਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰੂਬੀਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਨੀ ਆ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐਂਡ ਇੰਦਰਵੀਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਨੀ ਆ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਨ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਜੇ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰਕਤਾਂ ਲੱਗੂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਆਫ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸੀਕ੍ਰੀਟਸ ਨੇ ਨਾ ਭਾਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਨੀ ਹੋ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਮੁੜ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੱਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਸਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਆਰਟਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਲੋਗਸ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਲੋਗਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਬਹੁਤ ਕਾਮੇਡੀ ਬੰਦਾ है और ये बहुत ही वाइज बात बोली है आपने हाँ बहुत ही वाइज क्योंकि जब आप अपने आप के साथ कंफर्टेबल होते हो ना तो आप खुद का मजाक उड़ाने में हिचकिचाते नहीं हो और मेरे को ऐसा है पूरा परिवार कंफर्टेबल है ज्योतिका की बात कर लो अरे वो तो वो हम सबसे बेस्ट है सारे देख रहे हैं मतलब मेरी सिस्टर एक दिन छोटी ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ज्योतिका ਦੀ ਹਲੇ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਟੂਰ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਐ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵਲੌਗ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਇਨਕੇ ਵਲੌਗ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਯਾਰ दूसरों की जिंदगी को देखने में मजा आता है लाइक थोड़ा सा वो होता है लाइक एंटरटेनिंग समझ गया हम यार समझ गया ऐसे कहते करो समझिए करेंगे हम बस समझ सी रहे हो समझ गया पा यार मतलब मैं एक चीज और मेनू याद आई मैं ना जब रबीना ने मूवी की सो ट्रेलर आया घरदियां ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰਦੇ ਨੇ ਫੇਸ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ है ना सो आप वो चीज़ नहीं फेस कर सकते आप रोज़ मिलते हैं एक दूसरे फेस करते हैं आप वो चीज़ नहीं फील करते जो फील करते हैं हाँ मेरे घर जो चलते होंगे सी ना तो मेरी मम्मी पता कि नाम तो जानते मेरी सिस्टर मेरी दोनों सिस्टर नाम तो पता ही है मैंने भी नाम पता है मेरी मम्मी कहती यार इन्हें बिग बॉस बहुत खिलारे पाए थे यार अच्छा यही कुड़ी है पक्का देखना मैं देखा देखियो भाजी ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਅਪ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀ ਪਲਾਨ बट मैं जिमें कह रहा सीगा अलीशा कि बेस्ट चीज़ केड़ी इन्हां दोनों तुहानूं फनी लगी क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी रियल लाइफ च बहुत ज़्यादा यू नो हैप्पीनैस यू नो जी है उदा के इंसान ने कि जेडे यू नो एक तरह की चीज़ वंडनी है चाहते हैं कि हाँ हसते खेडते रहो बस लाइफ यही है जिदा दिखाते हैं ऑनलाइन में उदा ही है लाइक मैं पहली बार मिली सी मैं थोड़ा सा नर्वस सी टेंस सी लाइक इतने बड़े लोग है हैं तो मैं उन्होंने मूवी करन जा रही हूँ उन्होंने साथ सीन करने हैं तो इट्स वेरी कंफर्टिंग वर्किंग विद देम जब कोई बाहर वाला बंदा ऐसा बोल दो ना बंदा कहना हाँ यार कहने लगा थोड़ी और प्रेज करो चलो हाँ नहीं नहीं बहुत कंफर्टिंग और वेरी नाइस वेरी टैलेंटेड वेरी गुड लुकिंग ये फोर्स था ये बहुत ज्यादा फोर्स हो गया ना अभी बेचारी घर गई एक्चुअली लेकिन ज्यादा पहले नहीं दिल तो करो दिल तो हुन नहीं बट सच में बहुत केयरिंग काइंड पीपल आर देयर वेरी कंफर्टिंग ये अलीशा भी स्वीट है ना बहुत स्वीट है अरे बहुत स्वीट है आप देखोगे या आप देखोगे पहली फिल्म है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड यू नो द जेस्ट ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स इज़ वेरी गुड इन हर एंड ये चीज़ ना आपको बहुत आगे लेकर जाती है और अलीशा को आप देखोगे इसमें सीखने की इतनी इच्छा है ना बी इट विद हम जब सेट पे होते थे या फिर जनरली ऑल्सो इवन व्हेन शी गिव्स हर इंटरव्यूज़ आई रिमेंबर जब मैंने पहली बार अपना करियर शुरू किया था बोलना क्या मुझे तो वो समझ में नहीं आता था मैं ऐसे डर डर के मैं ऐसे हाँ अच्छा ओके और मैं कॉन्स्टेंटली ऐसे कभी अपना हाथ कर रही हूँ कभी ऐसे पसीना बट इट्स अ ग्रेट थिंग बिकॉज एटलीस्ट आपको पता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं तुसी किहड़े गाने ज़्यादा वाइब कर रहे हो आजकल रिसेंटली डेज पे दिलजीत दोसांझ का है हस हस जो उन्होंने सिया के साथ कोलैबोरेट किया है ना मतलब ऐसा गाड़ी में बैठो वो गाना चलाओ अरे वो होता ना खुद ऐसे ऐसे शोल्डर्स और बहुत से ऐसे गाने हैं आपने करेक्ट कहा है कि पंजाब ने ना एक वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म ले लिया है और यहाँ से जो आर्टिस्ट निकल कर मतलब इंडिया और पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन अ वर्ल्ड वाइड यू नो स्टेज इट इज़ फिनोमिनल बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो हमें इतनी बड़ी रिकग्निशन दे दी है ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਚਮਕੀਲੇ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੈਟਿੰਗ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਰ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਮੇ ਹਟਾ ਕੇ उनको साइड में हटा के ਨਾ 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 ਸੋਹਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਗਿੜਦਾ ਰੇ ਨਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ना नहीं तकदीरा लखा जुड़ गए हस दे अवे ਭਾਈ ਗਾਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਈ ਦਊਂਗਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਐਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਗਾਓ ਡਿਊਟ ਗਾਓ ਯਾਰ ਤੁਮ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਗਾਓ ਯਾਰ ਦੋਨੋਂ ਚੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕੇਲਸ ਵੀ ਮੈਚ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਾਇਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਖੁਦ ਰੀਲੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਓ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਡਾਂ ਤੂੰ ਆ ਗਾਣਾ ਕਰ ਦੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਗਾਓ ਚਲੋ ਸੋਹਣਿਆ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਗਿਲਦਾ ਰਹੀ ਸੋਹਣਿਆ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਗਿਲਦਾ ਰਹੀ ਦੋ ਦਿਲ ਤਾਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰਾਂਝੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਬਿਲਕਦੀਆਂ ਹੀਰਾ ਤਾਰ ਤਾਰ ਫਿਰ ਗਈ ਸੀਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਕਹੀ ਸੋਹਣਿਆ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇ It's such a beautiful song. बहुत अच्छा है। मतलब आप चमकीले के गाने सुनेंगे ना मैंने तो of course I've been introduced through अभिनव और इतने अच्छे अच्छे गाने हैं आजकल वो उस पर बड़ा हम करते हैं वो गाना मैं मुझे वो आर्टिस्ट याद नहीं है अच्छा छोड़िए मुझे फिर याद नहीं 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 बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं वो और उनका गाना भी आजकल ऐसा लूप पे चलता रहता है मुझे याद आएगा तो अभी नहीं याद आ रहा कोई ना शायद ਇਹ ਬਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਰੀਸੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਮਕੀਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ आप इस टाइम की बात कर रहे हो, मैं 10-12 साल से ये वाले गाने सुनते हैं। मतलब चमकीला जो ये गायक है ना, जो ये लेजेंडरी गायक है हमारे पंजाब में, इनसे पंजाब जाना जाता है। ही इज अ लेजेंड। और ऐसे ऐसे बहुत सारे लेजेंड्स हैं जिनको शायद अभी तक रिकॉग्निशन नहीं मिली है, लेकिन उनके गाने इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत हैं, मीनिंग भी है, एक नुआंस भी है और एक अलग किस्म का म्यूजिक था उस टाइम। और कॉम्पोजिशन इतनी खूबसूरत थी वो। आई रिमेंबर जब मैंने क्या बोलते हैं मिस पंजाब किया था, मैं टॉप 5 में पहुंची थी। यस, उस टाइम इतना कुछ जीतिया होया, मैंने खुद नु याद नहीं रहा। भाजी तुझी बायो कर लूंगी, पता नहीं ना की जीती है। मैंने ना मतलब ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ 10 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਡਾਊਟ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ मैं बता रही हूँ आपको, बहुत मेहनत की है। और ऐसा नहीं है कि मतलब मेहनत करके एक पड़ाव पे पहुंच गया और बोल दिया कि अब इतना हो गया। मैं फिर भी जीरो से शुरू करती हूँ, मैं फिर भी उतनी मेहनत करती हूँ। तो आज मुझे ना वो बात याद आ रही थी। मैं मिस पंजाब के स्टेज पे थी, अमरिंदर गिल वहाँ आए थे और अमरिंदर गिल का मुझे वो गाना बड़ा पसंद था, ना 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 ना, उन्हीं का गाना है ना। तो उस टाइम उस पर ना बड़ा तेरे ते गिलाए सानू पागला बना लालिया तू यारियां आए। तो ये स्मार्ट भी है। यस, पर भाई मेरा ये वाला एंगल नहीं है, उसे पतले है ना। नहीं नहीं भाई, थैंक यू। तो वो अमरिंदर गिल जब आए थे और मिस पंजाब के स्टेज पर टॉप 5 पर हम थे वहाँ पर, तो उन्होंने कहा था अब नेक्स्ट राउंड जो है पंजाबी में आपको जवाब देना होगा। और मुझे वो याद है, वो मलाल मेरे दिल में ना उस समय से है, 2007 से वो मलाल मेरे दिल में रह गया कि काश मुझे पंजाबी आती, बोलनी आती, तो मैं मिस पंजाब बनती। वाह वाह वाह। बट आई थिंक 2 बार इशारे हो चुके ने क्योंकि बड़ा लंबा। हाँ मतलब कट करो ऐसे। मतलब मजा आ रहा है, इंटर बात करते थे। मेरे ख्याल से कोई रैंडमली टॉक अच्छी लगती है ना। हाँ जी। बट इस फिल्म की हमें बहुत ज्यादा खुशी है, रुबीना और इंदर आप दोनों के डेब्यू की। अलीशा जी की चाहिए है ਤੁਹਾडी भी, एंड आई होप कि ਤੁਹਾडे तिन्ना दी ये फिल्म बहुत 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 ज्यादा हिट जाए एंड तुसी वापस तो आओ ਤੇ ਇੰਦਰਵੀਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਵਾਲਾ ਪੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਅਲੀਸ਼ਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ। ਐਂਡ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸੇ ਐਕਸੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਬੋਲਦੇ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਲੋਅਰਸ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੀਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਦੇਖਿਓ। ਐਂਡ ਬਿਊਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ मिलेगी मेरे Instagram पे। नहीं पर बहुत ज़्यादा खुशी है एंड थैंक यू सो मच फॉर द थैंक यू जी, थैंक यू टॉकिंग टू अस। एंड हम जल्दी मिलते हैं थिएटर्स दे विच। यस, थिएटर्स को यस 5 अप्रैल को चलिए। चलो हम पापा चलिए। चलिए चलिए पापा चलिए। बात हो गई, इंटरव्यू खत्म।